2024 लोकसभा चुनाव का आज प्रचार प्रसार पांचवें चरण का सामने जा रहे हैं। पांचवें चरण में हाजीपुर का चुनाव होने जा रहा है 20 तारीख को, जिसमें चिराग पासवान पर हम लोगों की नजर टिकी हुई है। जिस तरीके से चिराग पासवान हाजीपुर से अपनी तुफानी दौरा शुरू किए हुए हैं और कहीं न कहीं हाजीपुर में चिराग पासवान का पूरी तरीके से दांव पर लग गया साथियों। जिस तरीके से हाजीपुर में कुशवाहा समाज के लोग चिराग पासवान से नाराज दिख रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं कई नीतीश कुमार की रैलियां हुई और रोड शो हुआ, उससे कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज पूरी तरीके से चिराग पासवान के साथ आ गए साथियों। और चिराग पासवान हाजीपुर से एक बड़ा इतिहास रचने जा रहे हैं। जो रामविलास पासवान एक समय में इतिहास रचे थे, वही इतिहास को कहीं ना कहीं चिराग पासवान दोहराएंगे और अपने पिता रामविलास पासवान का जो रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतने का था हाजीपुर से, उस रिकॉर्ड को चिराग पासवान तोड़ेंगे साथियों। कहीं ना कहीं चिराग पासवान लगातार रोड शो कर रहे हैं। रोड शो के दौरान कहीं ना कहीं जिस तरीके से जबरदस्त तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं चिराग पासवान की सबसे बड़ी काबिलियत है। और चिराग पासवान 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार के जो टॉप 10 सांसद होंगे, उसमें से नंबर 1 चिराग पासवान होंगे साथियों। चिराग पासवान देश में जिस तरीके से पूरे सांसदों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबसे चहेते नेता हैं, और चिराग पासवान जो कि रामविलास पासवान का जो गिनी जॉब बुक रिकॉर्ड का नाम दर्ज था रामविलास पासवान का, उस रिकॉर्ड को चिराग पासवान तोड़ेंगे साथियों। जिस तरीके से खबरें आ रही है हाजीपुर से लेकर हाजीपुर से ग्राउंड तक की जो रिपोर्टें आ रही है, हाजीपुर के चिराग पासवान के पक्ष में आ रही है। और चिराग पासवान एक जिस तरीके से दलित समाज के सबसे बड़े नेता हैं, और हाजीपुर से चिराग पासवान एक बड़े अंतर से चुनाव जीतने की कगार पर आ गए साथियों। तो चिराग पासवान पर हमारी नजर टिके रहेगी, जो भी होगी अपडेट खबर मैं आप सबको बताऊंगा। लेकिन आज चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र हाजीपुर का आज प्रचार प्रसार का लास्ट दिन है। देखते हैं चिराग पासवान कितना दमखम लगाते हैं, उस पर भी हम शाम को एक अपडेट करेंगे। अभी के लिए इतना ही। मैक्से पासवान और आप देख रहे हैं बिहारी फर्स्ट चैनल। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।